बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। हमने कल अपना जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज, जिसको हमने इनिशियली स्टार्ट की जो चीज़ थी उसको हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वहाँ पे हमने अपना लेक्चर जो है वो एंड किया था, और आज के लेक्चर में हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज। हमने कल इस स्ट्रक्चर की पहली चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इस पे बात की थी, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वाइड, मेन, और फिर छोटी ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा है वाइड। इसको कहते हैं मेन फंक्शन, ठीक है जी, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये आप लोगों को हर C++ के प्रोग्राम में मिलेगा, सो इट इज़ कॉल्ड मेन फंक्शन, ठीक है जी। ये आप लोगों का एक फंक्शन है जिसको कहा जाता है मेन, और ये C++ के हर प्रोग्राम में आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप लोगों को दो जगहों पे वाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक इस मेन से पहले और एक आप लोगों को इस मेन के बाद, ठीक है जी। एक मेन से पहले लिखा हुआ नज़र आ रहा है VOID, और एक मेन के बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है VOID, इसे कहते हैं वाइड। वाइड का मतलब क्या है? वाइड मीन्स नथिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिंपली वाइड मीन्स नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है जी। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि दिस वाइड बिफोर द मेन एंड आफ्टर द मेन इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स कि बास प्रोग्राम्स में आप लोगों को ये लिखा हुआ भी नज़र आएगा, बास प्रोग्राम्स में नहीं भी लिखा होगा। बास बुक्स में ये पहले वाला वाइड जो है ये लिखा होता है, बास में दूसरे वाला लिखा होता है, बास में दोनों लिखे होते हैं। और बास बुक्स जो हैं, बास जो ऑथर्स हैं बुक्स लिखने वाले, उन्होंने एक वाइड भी नहीं लिखा होता, यानी जस्ट उन्होंने खाली लिखा होता है मेन और आगे उसकी पैरेंथेसिस। यहाँ पे एक चीज़ और भी आप लोगों को समझा दूँ कि जिस चीज़ के आखिर में या जिस चीज़ के साथ ये पैरेंथेसिस लगी हों, पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स को कहते हैं, तो नॉर्मली ज़्यादातर C++ में ऐसी चीज़ों को फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज ए, ठीक है जी। अगर मैं इसके आगे ये पैरेंथेसिस डाल दूँ तो दिस इज़ ए फंक्शन, ठीक है, यानी ये एक फंक्शन है जिसका नाम है ए, मेरी बात समझ आ गई है। तो पैरेंथेसिस इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, इससे ये पहचान होती है कि ये फंक्शन है। तो मेन को मैं मेन फंक्शन क्यों कह रहा हूं? कहा क्योंकि इसके आगे ये पैरेंथेसिस लगी हुई है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, दोबारा आ जाते हैं वाइड पे। तो ये हम C++ का लास्ट चैप्टर है हमारा फंक्शंस का,
वहाँ पे जाके मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि इस पहले वाइड का क्या मतलब है और इस दूसरे वाइड का क्या मतलब होता है। तो ये हमारा एक लास्ट चैप्टर आएगा फंक्शंस का, जिसमें हम लोग फंक्शंस बनाएंगे जो DIT के कोर्स में हैं कि फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे हम वाइड की बात करेंगे कि इस वाइड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लोग जस्ट इतना समझ लो कि वाइड मीन्स नथिंग। थोड़ा सा और भी आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ कि ये जो पहला वाइड है इसको रिटर्न कहते हैं, यानी ये फंक्शन की रिटर्निंग है, ठीक है। और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर दूसरा वाइड लिखा हुआ है ये इसके पैरामीटर्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पे अगर किसी फंक्शन के कोई पैरामीटर्स हों तो वो हम यहाँ लिखते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो फंक्शन हमसे लेता है, जो फंक्शन को हमें देना होता है स्टार्ट करने के लिए, और ये वो जगह होती है जो फंक्शन हमें देता है, ठीक है जी। तो आप लोग याद रखो कि मेन फंक्शन ना कुछ लेता है, इसीलिए यहाँ पे वाइड है, और मेन फंक्शन ना कुछ देता है ना ही रिटर्न करता है, सो यहाँ पे भी वाइड लिखा जाता है। बाज़ ऑथर्स जो हैं बाज़ जगहों पे इसके स्टार्ट में वाइड की जगह बाज़ जगहों पे इंट भी लिखा होता है, ठीक है। और ये इंट क्यों लिखते हैं तो ये बातें हम आगे डिटेल में जाके देखेंगे, लेकिन एक नॉर्मल एक कॉमन C++ के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे मेन लिखते हैं और आगे पैरेंथेसिस डालते हैं। ये वाइड लिखना या ना लिखना ये ऑप्शनल है दोनों। नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं जी, नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे आप लोगों को एक ओपनिंग ब्रेसेस, जिसको आप लोग मैथ्स में दरमियानी ब्रैकेट कहते हो, इसको ब्रेसेस या इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रही है, और सबसे आखिर में आप लोगों को एक एंड पे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रही होगी। तो ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विद इन दीज ओपनिंग एंड क्लोजेड क्लोज ब्रेसेस दिस एरिया दिस थिंग इज कॉल्ड बॉडी या ब्लॉक, यानी इसके अंदर जो चीज़ भी हम लिखेंगे इसको कहा जाएगा बॉडी या ब्लॉक। तो ये जो ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोज आप लोगों को ब्रेसेस नज़र आ गई हैं, इस ओपन और इस क्लोज ब्रैकेट्स के दरमियान में जो चीज़ है डैट इज़ द बॉडी ऑफ मेन, ठीक है जी। डैट इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ मेन। बॉडी ऑफ मेन मीन्स कि ये मेन की बॉडी है, यानी यहाँ से ये मेन शुरू होता है और ये यहाँ पे मेन ख़त्म होता है, ठीक है जी। इसके दरमियान में आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा, स्टेटमेंट वन सेमी कॉलन, स्टेटमेंट टू सेमी कॉलन, स्टेटमेंट थ्री सेमी कॉलन, फिर डॉट 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 और फिर स्टेटमेंट एन सेमी कॉलन। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, तो इसको गौर से सुने। स्टेटमेंट वन टू थ्री अप टू एन, इसका मतलब ये है कि मेन की बॉडी में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट एन लिखा है इट मींस के अप टू एन स्टेटमेंट्स, यानी ये स्टेटमेंट दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लाख भी हो सकती हैं। सो स्टेटमेंट एन मींस के एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोगों को बास बुक्स में बास जगहों पे यही चीज़ इस तरह से भी लिखी हुई नज़र आएगी। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे लिखा होता है इस तरह से, ठीक है जी। तो अभी जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट वन टू थ्री अप टू एन, वो आप लोग लिख लो, या स्टेटमेंट और पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग लिख दो एस, तो इसका मतलब भी वही है कि स्टेटमेंट वन टू थ्री फोर अप टू एन। अच्छा, यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस लिखी ये हमारा जो है
सेंटेक्स नहीं है, ठीक है? सेंटेक्स मीन्स कि लाजमी नहीं है कि ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये जो पैरेंथेसिस मैंने डाली हैं, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए डाली हैं कि ये एक स्टेटमेंट अकेली भी हो सकती है, और एस इसलिए लगाया कि ये स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो हम इस तरह से भी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को शो कर सकते हैं, और हम इस तरह से भी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बता सकते हैं। आप लोगों को याद हो रहना चाहिए कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं डैट इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी ये सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जब हम एक बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही हैं ये लाजमन होंगी। यानी उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा, उसके अंदर मेन का फंक्शन होगा, मेन की बॉडी होगी, और बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, इस चीज़ को गौर से सुने और समझें कि जब भी हम कोई सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें सबसे स्टार्ट में एक या एक से ज़्यादा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होंगी, उसके बाद मेन का फंक्शन होगा, फिर उसके बाद मेन की बॉडी होगी, और उस बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी। अब स्टेटमेंट्स क्या हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट्स का पूरा एक टॉपिक, पूरी एक क्लास हम लोग इस पे ले चुके हैं, ठीक है? जिसमें हमने सिंपल स्टेटमेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, तो ये जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, ये जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा स्टेटमेंट 1, 2, 3 up to n, तो ये उन्हीं में से कोई होंगी, ठीक है? जैसे अगर आप लोगों को सिंपल स्टेटमेंट याद हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे सिंपल स्टेटमेंट में हमने बात की थी कि वन लाइन स्टेटमेंट होंगी, जैसे लेट सपोज इंट ए। अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन लगाना है। इसी तरह हमने एक और चीज़ सिंपल स्टेटमेंट में देखी थी, जैसे मैंने कहा था सी आउट। क्या होता है सी आउट, इसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन जस्ट अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द स्टेटमेंट जो हम लोगों ने स्टेटमेंट के टॉपिक में की थी। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि मेन की बॉडी में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स होंगी। ये तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल दी हैं। इसी तरह सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें हमने बात की थी इफ़ की और इफ़ एल्स, तो वो भी हो सकती हैं। इसी तरह हमने आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि लूप्स, तो लूप्स भी यहाँ हो सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने बात की थी कंपाउंड स्टेटमेंट्स की, जो कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स था, तो वो भी यहाँ पे होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उन्हीं में से कोई ना कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, एंड इट क्रिएट्स द बॉडी ऑफ मेन। आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, या हो जाना चाहिए ये बात क्लियर, कि हमने जो कुछ करना होता है वो यहाँ पे करना होता है। ये जो आप लोगों को बॉडी नज़र आ गई है, यानी अगर लेट सपोज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई 2+2 का हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेट सपोज मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई अपना नाम डिस्प्ले करने का हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? तो वो काम जो हम करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? मैं कहता हूँ कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। मैं कहता हूँ मेरा नाम डिस्प्ले करो तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी करना है
हमने मेन फंक्शन के अंदर ही करना होगा, ठीक है, विद इन द बॉडी ऑफ द मेन। मेन फंक्शन के बारे में आप लोगों को ये भी बता दूं कि सी सी प्लस प्लस का ये फंक्शन मेन कहलाता है, और हमारा हर सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब वर्किंग स्टार्ट करता है, यानी जो काम हमने करवाना होता है वो हमने मेन से करना होता है। तो एवरी सी प्लस प्लस या सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन एंड इट एंड्स एट द मेन। मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा सी सी प्लस प्लस का हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होगा और हर प्रोग्राम मेन फंक्शन पे ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोगों ने जो भी करना होगा अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो हमने मेन के अंदर ही करना होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी ऑफ मेन, ये जो आप लोगों को ओपनिंग ब्रैकेट नज़र आ रही है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रीड होना शुरू हो जाता है, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी स्टेटमेंट्स हों, एक या एक से ज़्यादा जितनी भी स्टेटमेंट्स हों, वो सारी की सारी वो रीड होती हैं, और फिर उसके बाद आखिर में जो ही उसको ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट मिलती है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो भी करना है वो मेन फंक्शन के अंदर ही करना होगा, ठीक है, यानी जो भी करना है वो इन दो ब्रैकेट्स के, इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में ही करना होगा। अगर हम कोई काम इन ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो वो आप लोगों का जो कंपाइलर है वो उस तक नहीं पहुंच सकता। इस कर्ली ब्रैकेट के एंड होने का मतलब, या इस ये जो क्लोज आप लोगों को क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नज़र आ गई है, इसके बाद ये जू ही उसको मिल जाता है कंपाइलर को, तो कंपाइलर समझता है कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया और इसके बाद वो आगे जाता ही नहीं है। तो हम जब भी अपना प्रोग्राम चलाएंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस प्रोग्राम की एंडिंग क्या होगी? ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी, यानी इस कर्ली ब्रैकेट को जो ही देखेगा तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सी सी प्लस प्लस का वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का टॉपिक। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, बाज़ औक़ात 5 नंबर का भी आता है, और अक्सर 10 नंबर का भी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम, या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो आप लोगों को थोड़ा मैं पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से भी बता दूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने ये जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ये सारे का सारा आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है, जो ब्लैक कलर में आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सारा आप लोगों ने लिखना होगा। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर उसके बाद मेन, फिर उसके बाद उसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, 2, 3 अप टू n, ये जी आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने नीचे हेडिंग देनी होगी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है जी, और एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने 1 by 1 हर एक चीज़ को, ईच एंड एवरी थिंग आप लोगों ने अलग अलग करके बतानी होगी, जिस तरह मैंने अपने 2 लेक्चर्स में आप लोगों को इंडिविजुअली हर लाइन, हर लफ्ज़ को मैंने अलग अलग करके बताया। तो आप लोग स्टार्ट हो जाओगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दोगे, और उसके बाद आप लोग सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखोगे, उसकी एग्जांपल दोगे बिल्कुल वैसी जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि भाई हैश इंक्लूड हेडर फाइल लिखेंगे,
फिर मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो जाएंगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। फिर आप लोग हेडिंग दे दोगे वाइड मेन वाइड, ठीक है जी। फिर आप लोग इसके बारे में एक दो लाइंस लिख दोगे कि इट इज़ अ मेन फंक्शन एंड एवरी सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड विद दिस फंक्शन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोग ये ओपनिंग ब्रेसिस की हेडिंग दे दोगे और उसके बारे में लिखोगे कि डैट इज़ दी स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी थिंग डैट वी वॉन्ट टू परफॉर्म, ठीक है। तो वी राइट आफ्टर दिस ओपनिंग ब्रेसिस, ठीक है। यानी हमने जो कुछ भी करना होगा इस ओपनिंग ब्रेसिस के बाद हम वो राइट करेंगे, हम वो लिखेंगे। फिर आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट 1, 2, 3 अप टू एन, इसकी हेडिंग एक छोटी सी दे दोगे और लिखोगे कि दीज आर दी स्टेटमेंट्स, ठीक है, दीज आर दी वैलिड स्टेटमेंट्स ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, ठीक है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 अप टू एन, दीज आर दी स्टेटमेंट्स इन विच वी परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, यानी जो काम हमने करना होगा जिस मकसद के लिए हमने अपना प्रोग्राम बनाया होगा वो वाला काम हम यहाँ पे अपनी इन स्टेटमेंट्स के अंदर करेंगे। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो दो भी हो सकती हैं, वो 50 भी हो सकती हैं, चाहे जितनी भी हो। तो आप लोग अपनी इस हेडिंग के अंदर लिख दोगे कि दीज आर दी स्टेटमेंट, ठीक है, दीज आर दी सी सी प्लस प्लस वैलिड स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट मतलब के जो रूल्स के मुताबिक होंगी और जो रिक्वायर्ड होंगी। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग दे दोगे ये वाली, यानी क्लोजिंग ब्रेसेस की, और आप लोग इसके लिए लिख दोगे कि इट इज़ दी एंड ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है, डैट रिप्रेजेंट्स आवर प्रोग्राम इज एंड, आवर प्रोग्राम इज एंड, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आप लोगों का अगर 5 नंबर का 8 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, तो आप लोगों ने इस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को हमने पेपर में आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम अपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को बनाएंगे। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो वाइंड अप किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, इस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आएंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।